नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम कोफोरस शेयर के डेली चार्ट पे हैं। आप यहाँ पे देखें किस तरह शेयर में काफी गिरावट आ चुकी है। इस शेयर ने एक अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन दे चुके हैं। अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है कि प्राइस किस तरह अपने ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद यहाँ से एक रेसिस्टेंस लेके और रिटर्न नीचे की ओर यहाँ पे आपको ट्रेड करते हुए दिखेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कल के दिन जो कैंडल थी इसको यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे ब्रेक करने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर का जो वीक है काफी बड़ा है, यानी कि यहाँ पे बायर्स ने काफी बाइंग की, प्राइस को ऊपर ले गए। लेकिन यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग की हुई है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, जब इसके हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी तभी शेयर में हम अपनी क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हमें थोड़ा वेट करना होगा, हमें यहाँ पे देखना होगा। या फिर आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, जो यहाँ पे इसका हाई है, इस कैंडल का हाई है 3730। यानी कि आपको क्या करना है, आपको अपने आर्ली चार्ट पे जाना है। अगर आर्ली चार्ट की एक कैंडल अपने हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है तो आप इसमें अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए यही रुकते हैं। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।